दिस इज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, संयोजी मतलब ये जोड़ता है, ठीक है। इस उत्तक में जो कोशिकाएं हैं वो अन्य जो हमने अभी स्टडी किया एपिथेलियल, उनकी तुलना में दूर दूर होती है, यानी पास में बिल्कुल टच नहीं होती, थोड़ा गैप होता है, और जो मैट्रिक्स होता है मतलब जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो ज्यादा होता है, और उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। फाइबर कौन सा है इस पे डिपेंड करेगा, इसके टाइप्स के रूप में अलग अलग टाइप के हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन फाइबर्स और जो मैट्रिक्स है। बाकी कुछ सेल्स में भी अंतर हो सकता है, बहुत सारी इसके अंदर सेल्स होती हैं, उसके आधार पे भी इसका टाइप हो सकता है। संयोजी उत्तकों के कार्य क्या होंगे, एक तो ये बंधन और संरचनात्मक सपोर्ट, या तो किसी को बाइंड करेंगे ऑर्गन को जोड़ेंगे, या उसको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, परिवहन करेंगे यानी किसी चीज को लेकर जाएंगे दूसरी जगह, जैसे ब्लड, ब्लड भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन और बहुत सारी चीजों को लेकर जाता है, और इंसुलेशन मतलब कवर लगाएगा, ठीक है ना, इंसुलेट करेगा ताकि हीट का लॉस ना हो। जो संयोजी उत्तक है उसमें जो मुख्य कोशिकाएं हैं जो दूर दूर रहती हैं वो कौन कौन सी हैं, ये तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, फैट सेल्स, लिम्फोसाइट्स और मास्ट सेल, ये इतनी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्लस एक मैट्रिक्स होगा जिसमें फाइबर्स होंगे। कनेक्टिव टिश्यूज के प्रकार, कनेक्टिव टिश्यू को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लगभग 8 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारी बॉडी में, एरियोलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज या फैट कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक या लचीला टिश्यू, लोचदार टिश्यू भी इसको कहते हैं, कार्टिलेज या उपास्थि, बोन या अस्थि तथा ब्लड। तो इसमें हम जो पहले ये 6 उत्तक हैं इनको आज इस क्लास में स्टडी करेंगे, बोन्स को अलग चैप्टर में स्टडी करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, और ब्लड को अलग स्टडी करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। एरियोलर टिश्यू या लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये कई अंगों के बीच पाए जाते हैं, जहां पर जो शॉक है जो झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, ताकि अंदर जो उसके टिश्यू है उसको नुकसान ना। इसमें जो मैट्रिक्स है उसके बीच बीच में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और कुछ फैट सेल्स भी होती हैं जिन्हें हम एडिपोसाइट्स कहते हैं, जो मस्तूल कोशिकाएं और जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी वहां पर होती हैं। और फाइबर कौन से हैं, कोलेजन फाइबर और लोचदार फाइबर, ठीक है ना, कोलेजन फाइबर टफ होता है और लोचदार मतलब इलास्टिक फाइबर वो सॉफ्ट होता है। यह शरीर के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है और हमारी बॉडी के उन अंगों को लचीलापन बट तन्यता, ठीक है ना, तन्यता क्या होती है यानी वो खींच सकते हैं पर टूटेंगे नहीं, और आराम से उसको बड़ा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है पर वापस अपनी शेप में आ सकते हैं। तो ये एरियोलर टिश्यू की विशेषता है, लचीलापन और तन्यता प्रदान करना। एरियोलर टिश्यू बहुत सारे अंगों को जोड़ने का काम और उनको सपोर्ट करने का काम करता है, जैसे कहां कहां होता है, त्वचा के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें एरियोलर टिश्यू होता है, मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यू होगा, जो रक्त वाहिकाएं और जो नर्वस सिस्टम है उनके चारों तरफ एरियोलर टिश्यू होगा उनको सपोर्ट करने के लिए, जो हमारी GIT है उसमें भी एरियोलर टिश्यू है उसको सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली जो कवरिंग है उसके लिए, और जो ग्लैंड्स हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है, वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। यहां पर आप देखिए इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं कि जो सेल्स हैं, जैसे एक ये हो गई फैट सेल्स है, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट हैं, तो ये दूर दूर है, एक कोशिका यहां हो गई दूसरी थोड़ी दूर होगी, और ये फाइबर्स हैं, ठीक है ना, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और मैट्रिक्स जो इंटरसेलुलर मेटीरियल होता है वो इसमें होता है। दूसरा अगला टाइप है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज को हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं या वसा उत्तक, इसमें वसा कोशिकाएं होती हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े वसा ग्लोब्यूल्स होते हैं, जैसे ये कोशिका है इसमें छोटा सा न्यूक्लियस और पूरी ये फैट से भरी हुई होती है, ठीक है ना, तो फैट कलेक्शन का भी काम ये करती हैं,
और बाकी जो मेटेरियल होता है बिल्कुल एरियोलर टिश्यू जैसा ही मेटेरियल होता है। ये जो वसा ऊतक है ये दो प्रकार का हो सकता है, व्हाइट फैट सेल्स, व्हाइट फैट टिश्यू, और ब्राउन फैट टिश्यू, भूरा, सफेद और भूरा, है ना। तो व्हाइट जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, और जब कहते हैं ना कि फैट जम रही है, मोटा हो रहा है, फैटी हो रहा है, तो वो फैट इस व्हाइट एडिपोज टिश्यू के रूप में जमती है। कभी कभी ये पीला भी दिखाई दे सकता है, डिपेंड करता है कि हम खाना कैसा खा रहे हैं। अगर कैरोटीन ज्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा पिगमेंट के कारण ये कलर चेंज हो सकता है। सफेद वसा ज्यादातर लिपिड के भंडारण में योगदान देता है और ठंडे तापमान और यांत्रिक चोटों से हमारी इंसुलेशन के रूप में रक्षा करता है, यानी बॉडी को इंसुलेट कर देता है और सुरक्षा करता है। सफेद वसा ऊतक हम देखते हैं कि स्पेशली जो किडनी है उसके चारों तरफ, उसको सपोर्ट करने के लिए, और आंखों के जो आई बॉल है उसको सपोर्ट करने के लिए, कुशनिंग करने के लिए व्हाइट एडिपोज टिश्यू होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू नॉर्मली एडल्ट में नए के बराबर होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, जो न्यू बोर्न में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वहां तो जितना भी ये फैट होता है वो ब्राउन फैट के रूप में होता है। ब्राउन फैट का जो बेनिफिट है वो क्या है कि एक तो ये जब मेटाबोलाइज होगा तो ज्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, एनर्जी ज्यादा नहीं होगी पर हीट बहुत ज्यादा होगी, तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्राउन फैट होता है। जैसे जैसे वयस्क होता जाता है इस फैट की मात्रा कम होती जाती है। उसके बाद टिश्यू है लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है ना, लिम्फ। आपने देखा होगा हमारी बॉडी में बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू हैं, जैसे टॉन्सिल्स और इसके अलावा लिम्फोइड ऊतक, जैसे लिम्फ नोड्स हमारी बॉडी में जगह जगह हैं, तो ये सारे लिम्फ टिश्यू के बने होते हैं। लिम्फ टिश्यू क्या है, इसे हम जालीदार ऊतक के रूप में भी जानते हैं, रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, महीन शाखाओं, धागे जैसे शाखाओं वाले रेटिकुलर फाइबर्स इसमें होते हैं। ट्रोस मैट्रिक्स होता है और ब्लड सेल्स होते हैं, कौन सी, व्हाइट ब्लड सेल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये इसके अंदर होती हैं। लिम्फोइड ऊतक लिम्फ नोड्स में और जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें सब जगह पाया जाता है। स्प्लीन हमारा मेन लिम्फेटिक टिश्यू है। उसके बाद आता है फाइबरस टिश्यू, ठीक है ना, फाइबरस टिश्यू बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है क्योंकि इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं और स्पेशली कोलेजन फाइबर्स, इसमें बंडल्स होते हैं कोलेजन फाइबर के, और जो साइट्स, ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं ये कम होती हैं और दूर दूर एक लेयर के, इन जो फाइबर्स की जो लेयर्स हैं इनके बीच में स्थित होती है। जो फाइबरस टिश्यू है वो बहुत ही टफ होता है, रेशेदार ऊतक है, और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये एक तो लिगामेंट्स में होता है, स्नायु बंधन। स्नायु बंधन क्या होते हैं, जो हमारी बोन्स को आपस में जोड़ते हैं उसको हम लिगामेंट या स्नायु बंधन कहते हैं। इसी प्रकार जो हमारी बोन्स है उनको कवरिंग या पेरिओस्टियम भी फाइब्रस टिश्यू से बनती है। इसके अलावा किडनी, लिम्फ नोड्स, ब्रेन, मसल्स की फेशिया, ये सब फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं। और इसके अलावा जो टेंडन है, कंड्रा जिसको बोलते हैं, कि जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, वो भी फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, इसलिए दिखने में व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स इसमें होती है। इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू लचीला होगा रबर के समान, और ये पुनरावृत्ति करने में सक्षम है, यानी फैल सकता है और वापस सिकुड़ भी सकता है। इसमें कोशिकाएं कुछ होती है, यानी कम होती हैं, बट मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट के अलावा जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, लोचदार फाइबर्स, वो बहुत ज्यादा होते हैं। यह उन अंगों में होता है जहां पर खिंचाव और परिवर्तन की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उसकी वॉल में, सांस की नली में और फेफड़ों में इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद है कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज या उपास्थि, ये अन्य संयोजी ऊतक जो अभी तक हमने स्टडी किए उनकी तुलना में मजबूत होती है। इनकी कोशिकाओं को हम कोंड्रोसाइट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं काफी कम होती हैं, फाइबर्स ज्यादा होते हैं इसमें, मैट्रिक्स ज्यादा होता है जिसमें कोलेजन और इलास्टिक दोनों फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और लोचदार फाइबर्स दोनों होते हैं। ये
तीन प्रकार की हो सकती हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। जो हाइलाइन कार्टिलेज है वो काफी स्मूथ और चिकनी होती है, वो स्ट्रोंग भी काफी होती है। इसमें कॉन्ड्रोसाइट छोटे छोटे समूह में होते हैं, मैट्रिक्स ठोस और चिकना होगा। ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है ये जोड़ों के आंदोलन मतलब आंदोलन का यह मतलब है कि मूवमेंट बहुत तेजी से आराम से हो और लचीलापन हो और चिकनी सतह वहां हो, उसको बनाने के लिए हाइलाइन कार्टिलेज होती है। तो आप देखेंगे जो भी जोड़ हैं वो वहां पर हड्डियां कवर्ड होती हैं हाइलाइन कार्टिलेज से, बिल्कुल कांच के समान, और मूव कर सकती हैं। तो कहां होती हैं ये? पाया जाता है लंबी हड्डियों के सिरों पर जो जोड़ का निर्माण करती हैं। कोस्टल उपास्थि का भी ये निर्माण करता है, कोस्टल कार्टिलेज जो है जहां पर हमारी रिब्स हमारे स्टर्नम से जुड़ती हैं, ठीक है ना। उपास्थि किसको कहते हैं? स्टर्नम को। तो स्टर्नम से जब जुड़ती हैं तो वहां पर जो कार्टिलेज लगी होती है वो ये हाइलाइन कार्टिलेज होती है। इसके अलावा हमारा लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, यहां पर भी जो कार्टिलेज होती है वो कौन सी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज। उसके बाद है फाइब्रोकार्टिलेज। फाइब्रोकार्टिलेज थोड़ी सी कुछ कुछ लचीली होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी हाइलाइन कार्टिलेज है, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स हैं वो डेंस होते हैं और कुछ लचीले फाइबर या इलास्टिक फाइबर भी पाए जाते हैं। ये पैड के रूप में बहुत अच्छा काम करती हैं। और पैड कहाँ होता है फाइबर्स का, कार्टिलेज का? हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में पैड्स होते हैं, ठीक है ना, जहां पर जो वर्टिब्राज आपस में जुड़े होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उनके बीच में डिस्क होती है। तो वो डिस्क किसकी बनी होती है? फाइब्रोकार्टिलेज की। इसके अलावा जो हमारी जॉइंट्स हैं जैसे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, वहां पर जो कैविटी है उसके रिम में, कैविटी का जो रिम है वहां भी फाइब्रोकार्टिलेज लगा होता है। उससे वो जो रिम है वो थोड़ी गहरी हो जाती है और जॉइंट स्ट्रोंग बन जाता है। उसके बाद है इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज। ये और भी ज्यादा इलास्टिक होगी क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा होंगे कोलिजन की बजाय। कॉन्ड्रोसाइट्स भी होंगी, वो बीच बीच में होंगी और ये काफी लचीली होती है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कान की, जो ये वाली जो कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज है, नाक की जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, और जो रक्त वाहिकाओं के अंदर इलास्टिक कार्टिलेज होती है, ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो बड़ी रक्त वाहिकाएं हैं ताकि वो फैल सके और सिकुड़ सके। माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग।